नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube पर। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अपेक्स बैंक भर्ती यानी कि सहकारिता विभाग का रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉप 10 की लिस्ट जारी हो चुका है। कितने नंबर पाए आप सभी जाके देख सकते हैं, या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहकारिता विभाग के बारे में, इसके बाद हम हॉस्टल वार्डन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद प्रयोगशाला पीओ चौकीदार या फिर एडीओ सीजीपीएससीपी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे क्लास में छत्तीसगढ़ की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है नए बैच से, नए सिरे से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, या फिर जी जान लगा दो या फिर रहने दो। मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी करना है, आप तैयारी नहीं करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है। जिनको पढ़ाई करना है वो पढ़ते रहिएगा, जिनको सिलेक्शन लेना है वो लेकर रहेंगे, है ना। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए, सिलेक्शन लेने का फार्मूला में तीन रूल बताऊंगा, गोल्डन रूल, है ना। तीन गोल्डन चांस है आपके पास। पहले तो आपका थ्योरी, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव, तीसरा रहेगा आपका बिल्कुल क्या बताया था आपका मॉक टेस्ट, है ना। तो जिनको सिलेक्शन लेना है सबसे पहले थ्योरी पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा और आपका मॉक टेस्ट दीजिएगा। इसके बाद हम बात करें कि जितने भी विगत वर्षों से प्रीवियस वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए। बस जितना सिलेबस में पूछा जाए उतना पढ़ के जाना है आपको, ना कि पूरा तीर नहीं मारना है ना। मेरे कहने का मतलब है आप पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद ज्ञान अर्जित करना, है ना। पढ़ना तो सबको है लेकिन सिलेक्शन लेना हर किसी के बस की बात नहीं होता, है ना। सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है, ओके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रयोगशाला परिचालक का, जिसमें हमारी क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लास तो चली रही है, लाइव क्लास के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, इधर उधर हो जाता है। तो लाइव के लिए कभी भी अगर टाइम मिलता है तो मैं लाइव क्लास ले लेता हूँ। इससे फायदा यह है, बेनिफिट यह है कि यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जितने भी हमारे यूट्यूब में चैनल में जितने भी मेरे हैं उसमें आपको रिकॉर्ड यानी कि मिल जाएगा, जैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, उसमें नोट्स भी मिलेगा। जिसको चाहिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। तो जिनको प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन है, एडीओ सीजीपीएससीपी जिसका एग्जाम 11 फरवरी को है, ठीक है, 2024 में, और प्रयोगशाला का एग्जाम भी बहुत जल्द हो सकता है, यानी कि नए साल जनवरी फरवरी आसपास, मैं नहीं कहूँगा इसी मंथ होगा ऐसा करके ना, कभी भी हो सकता है, लेकिन आप तैयारी रखिएगा। और हॉस्टल वार्डन का फॉर्म अभी भराना स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत लोग पूछे लेकिन हॉस्टल वार्डन वैकेंसी आ गया क्या करके, तो हॉस्टल वार्डन वैकेंसी नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आ सकता है ना, है ना। 300 पोस्ट हो सकता है या फिर 500 पद हो सकता है, उससे मतलब नहीं रखे। आपको एक पद लेना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो जी जान लगा दो या फिर रहने दो मेरे हिसाब से, है ना। अब आप लोग देख लो कि तैयारी करना है, पढ़ाई करना है या सिलेक्शन लेना है। मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, पहले थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, मॉक टेस्ट, उसके बाद प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अभी प्रयोग जैसे अभी अपेक्स बैंक भर्ती यानी कि सहकारिता विभाग में अभी हेमंत कुमार जो कि टॉप फर्स्ट में आए, टॉप 10 लिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। वो वीडियो आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी डाउट होता है व्यापम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे YouTube चैनल पर बहुत जल्द प्रारंभ किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की क्लासेस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर का, जिसमें सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है एडीओ को छोड़कर। एडीओ का फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा जिसको तैयारी करना है आप अपना गोल्डन रूल आजमाइएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कई लोगों को चूक गया होगा इसमें अपेक्स बैंक भर्ती में, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा या 400 से ऊपर पद आया होगा, है ना, 420-425, है ना, तो उसका एक बार अच्छे से जहां पर हमने गलती किया है उसको एनालिसिस कीजिएगा, आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप सेटिस्फाई कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी बुक अपनी जगह सफिशियंट होता है ना, लेकिन तैयारी ऐसे करो जैसे आप गणित के लिए, नवीन अंक गणित है, HDR है, बहुत सारा है, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है आपको मैं बताऊंगा, कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यही नहीं कहूँगा यही क्वेश्चन आएगा करें, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि यहां से इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मतलब सभी नहीं, देखिए जो सिलेबस में पूछा जाए वही पढ़ रहा है ना भाई, है, अब उसमें रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, हॉस्टल वार्डन जबरदस्ती का रीजनिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका समय बर्बाद होगा, है। तो आपको
गाइडेंस की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अगर बड़े बड़े यूट्यूबर से देखिएगा, कोचिंग संस्थानों से, आपको गाइडेंस सबसे महत्व है, गाइडेंस की किस दिशा में आपको कैसे पढ़ना है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर तैयारी करना है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मैं यही एक न्यूज देने था कि अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ की क्लासेस और हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर की क्लासेस प्रारंभ किया जाएगा एक दो दिन के बीच में, ठीक है। तो जिनको तैयारी करना है, अगर कुछ करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन इसके ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जानकारी से, आप सजीव आपम से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आज के लिए थैंक यू।